नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सब। मेरा नाम अभिषेक सर, आप देख रहे हो अभी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अभी मैं हूँ धर्मशाला ब्रिज पर और दोस्तों मैं आपको अपने शहर गोरखपुर शहर के नज़ारे कुछ दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओ भाई साहब, इधर क्या हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गोरखपुर शहर के नज़ारे। आगे है असुरन चौक भाई साहब, ब्रिज पर से हम लोग उतर रहे हैं और आगे जाम लगा हुआ है। ओ भाई साहब, पता नहीं अब मेट्रो का काम तो अभी नहीं चालू है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी असुरन चौराहे पे हम लोग काली मंदिर चौराहे पे पहुंचने वाले हैं और आगे है काली मंदिर चौराहा। और आप लोग वाइड एंगल का मज़ा लीजिए क्योंकि अब आप उनके पास है GoPro Hero 9 Black। तो यह है असुरन चौराहा और काली मंदिर चौराहा और यहाँ पर लग गया है जाम और रेड लाइट भी ऑन है। चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस रेड लाइट ग्रीन हो गया और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। यह है काली मंदिर और इधर है काली माता जी का मंदिर इस साइड है। और भाई साहब आप लोग देखिए यहाँ पर कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं। नवरात्र का महीना है, मतलब समय है, तो इधर देख सकते हैं तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। ओ भाई साहब, तो आगे से हम लोग लेंगे लेफ्ट और चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, तारामंडल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बना के दिखाया जाए। तो आगे है गणेश चौराहा जिसको गोलघर चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये है गणेश चौक, तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और चलते हैं सीधा आपको शहर के अंदर अंदर होते हुए आपको दिखाते हैं। हरिओम नगर तिराहा भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो इधर देख सकते हैं। ओ भाई साहब, इधर भी जाम लगा हुआ है। तो आगे से विकास भैया राइट ले लीजिएगा और HP दुबे मार्ग होते हुए तारामंडल की तरफ प्रस्थान करिए, ठीक है। तो गाइज आप लोग अपने शहर का व्यू पॉइंट देखिए, इधर है एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स और यहाँ से लेते हैं राइट टर्न और इधर है GDA टावर जहाँ पर आपको खाने की वैरायटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए, इधर है GDA टावर, ये है GDA टावर। ये है आपका GDA टावर। ओ भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है। चलिए और आगे है आपका हरिओम नगर तिराहा यूनिवर्सिटी होते हुए हम लोग सोच रहे हैं चले। हाँ विकास भैया, यूनिवर्सिटी होते हुए चलिएगा आगे से लेफ्ट देन यूनिवर्सिटी होते हुए। तो गाइस यूनिवर्सिटी होते हुए हम लोग चल रहे हैं और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए। हाँ विकास भाई कह रहे हैं लाइक कर दीजिए और अपना शहर का नज़ारा आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है इधर देखकर। शाम का वक्त है और वाइड एंगल में वीडियो शूट हो रहा है तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यहाँ ये है हरिओम नगर तिराहा, यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट और आगे है आपका यूनिवर्सिटी चौराहा। यूनिवर्सिटी चौराहा नहीं, यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस गेट, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पैडलेगंज होते हुए मैं आपको छासंग चौराहे होते हुए पैडलेगंज होते हुए तारामंडल की तरफ ले चल रहा हूँ। और इस वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग। ओ भाई साहब आप लोग व्यू देखिए गाइस, व्यू देखिए। और डेवलपमेंट गोरखपुर में बहुत से कार्य हो रहे हैं। आपका असुरन चौराहा जो है चौड़ा हो रहा है, क्रांति चौक पे ब्रिज बन रहा है और जो आपका तारामंडल तिराहा है बुद्ध विहार जो वहाँ पर है वहाँ पर भी ब्रिज बन रहा है ओवर ब्रिज, और बरगदवा जो क्रॉसिंग है वहाँ पर भी ब्रिज बन रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, कई रोड चौड़ा किया जा रहा है। तो ये सबका वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है,
और हाँ इधर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कार्य हो रहा है। तो चलिए मैं आपको पूरा चल के दिखाता हूँ आगे यूनिवर्सिटी चौराहा। और हाँ कभी चला जाएगा आगे यूनिवर्सिटी चौराहा आने वाला है गाइस। हाँ इधर से आप लोग गुजरते होंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है इधर मतलब काफ़ी शांत है। ओ भाई साहब विकास भाई कैसे बाइक चला रहे हैं। ओ भाई साहब इधर देख सकते हैं ये है पंत पार्क, ये है पंत पार्क, ये है आपका DDU यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस गेट। तो यहाँ से लेते हैं राइट। इधर आप देख सकते हैं और आगे है छासंग चौराहा। सो यहाँ से ओ भाई साहब नया नया ट्रक डंपर जो भी बोल सकते हैं सब खड़ा है, नया नया है महिंद्रा का है तो ट्रैक्टर है, ये स्वच्छ भारत वाला है देख सकते हैं नया नया ICICI फाउंडेशन की तरफ से। इधर है जोमाटो भैया। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा कचरा वाला आ गया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी और यहाँ पर मीडिया वाले लगे हुए हैं और यह है जोमेटो डिलीवरी बॉय, हम भी काम करते हैं जोमेटो में, यह छासंग चौराहा। चलिए चलते हैं आपको पर्लेगंज की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो गाइज आगे है पर्लेगंज चौराहा और वहाँ से हम लोग लेंगे राइट, देन तारामंडल की तरफ चल रहे हैं और आपको पूरा शहर के नज़ारे अपने शहर के नज़ारे दिखा रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो बनाया जाए और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो लाइक कर दीजिए गाइज। और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज इधर भी। और आपको मैं अनकट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कट नहीं करूँगा, पूरा शहर के नज़ारे मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या यही कुछ है अपना शहर गोरखपुर और इधर से मैं तारामंडल की तरफ चलूँगा तो सब भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ। इधर देख सकते हैं साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है अपने शहर में, इधर भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस लगे हुए हैं इधर देख सकते हैं। इधर देखिए पूरा हटाया जा रहा है, इधर देख सकते हैं यहाँ रिंग रोड का भी काम चालू है, हो सकता है मैं वीडियो बना लूँ बट देखते हैं कब बनता है। चलिए फाइनली मैं आ गया हूँ यह गौतम बुद्ध द्वार और इधर आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, रोड भी चौड़ा हो गया है और योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं बट देखते हैं कब आते हैं। और ये है आपका तारामंडल रोड, आगे है तारामंडल वो जो तिराहा है जहाँ से आपका देवरिया बाईपास का रोड गया हुआ है तो वहाँ तक मैं चल रहा हूँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया, पसंद इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।